नमस्ते दोस्तों, मेरा सारा ये स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अप्रेंटिस गुरुजी के एक नए एपिसोड में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे में निकली हुई अप्रेंटिसज की वैकेंसीज के बारे में। दोस्तों, यह नोटिस 30/12/2022 को जारी किया गया है और इसके लिए जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है उनको स्टार्ट होने की तारीख 10/1/2023 और क्लोजिंग डेट 10/2/2023 दी गई है, यानी ये एप्लीकेशंस अब स्टार्ट हो चुके हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम इसी बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक जरूर देखें और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी जरूर प्रेस करें ताकि आईटीआई से जुड़ी हर अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मंडल वाइज वैकेंसीज दी गई हैं। अभी आप जो वैकेंसीज देख रहे हैं ये हैं अजमेर मंडल की। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो टोटल 10 ट्रेड्स के लिए वैकेंसी दी गई हैं। दोस्तों, आप चाहें तो इस डिटेल को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ट्रेड के नाम यहाँ पर बता देता हूँ क्योंकि वैकेंसीज़ की संख्या बहुत ज़्यादा है। अगर मैं पूरा बताना शुरू करूँगा तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, लेकिन मैं यहाँ आपको ट्रेड के नाम से ही बता देता हूँ कि इन ट्रेड्स की वैकेंसी यहाँ पर दी गई है। तो यहाँ पर पहली जो वैकेंसी है वो है इलेक्ट्रिकल कोचिंग, दूसरी इलेक्ट्रिकल पावर, तीसरी है इलेक्ट्रिकल TRD, उसके पश्चात चौथी कारपेंटर, उसके बाद पेंटर, मेसन, पाइप फिटर, फीटर, कारपेंटर और डीजल मैकेनिक। तो इस तरीके से टोटल 170 वैकेंसी यहाँ पर UR की दी गई हैं, 110 OBC की, 61 SC की, 32 ST की, 40 EWS और टोटल 413 वैकेंसीज यहाँ पर दी गई हैं। और दोस्तों, इसके पश्चात बारी आती है मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय बीकानेर की। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिशियन, फीटर और वेल्डर की वैकेंसीज दी गई हैं। और उसके पश्चात बात करें जयपुर मंडल की तो यहाँ पर मैकेनिकल फीटर, SNT टेक्नीशियन, सिग्नल, इलेक्ट्रिकल जनरल, इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिकल TRD, इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन की वैकेंसीज यहाँ पर दी गई हैं। और जोधपुर मंडल में ही डीजल मैकेनिकल, डीजल इलेक्ट्रिकल, फीटर मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल पावर और इलेक्ट्रिकल AC की वैकेंसीज दी गई हैं। BTC कैरेज अजमेर की बात करें तो फीटर, वेल्डर और पेंटर की वैकेंसीज यहां पर दी गई हैं और इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में इलेक्ट्रीशियन की वैकेंसीज यहां पर दी गई हैं। और BTC लोको अजमेर की बात करें तो DSL मैकेनिक, फीटर और वेल्डर की वैकेंसीज यहाँ पर दी गई हैं। कैरेज वर्कशॉप बीकानेर की बात करें तो फीटर, वेल्डर और इलेक्ट्रीशियन की वैकेंसीज यहाँ पर दी गई हैं। इसी तरह कैरेज वर्कशॉप जोधपुर में फीटर, कारपेंटर, वेल्डर, पेंटर, मैकेनिक, मशीन टूल मेंटेनेंस और मशीनिस्ट की वैकेंसीज यहाँ पर दी गई हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में अप्रेंटिसज की जो वैकेंसीज हैं वो दी गई हैं और इन सभी वैकेंसीज के लिए जो संबंधित ट्रेड है उसमें IT का पास आउट होना अनिवार्य है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी कंडीशंस दी गई हैं वो दी गई हैं, कैंडिडेट शुड हैव कम्प्लीटेड 15 ईयर ऑफ एज एंड शुड नॉट हैव कम्प्लीटेड 24 ईयर्स ऑफ एज। दोस्तों, यहाँ पर जो एज लिमिट दी गई है वो 15 से लेकर 24 वर्ष तक की दी गई है, जिसमें SC ST के लिए 5 वर्ष की और OBC के लिए 3 वर्ष की छूट यहाँ पर दी गई है। और विकलांगों के लिए यहाँ पर 10 साल की छूट दी गई है। और दोस्तों, यदि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर कैंडिडेट को 10वीं कक्षा में 50% मार्क्स के साथ उत्तीर्ण होना आवश्यक है और इसके साथ साथ NCVT या फिर SCVT में ITI ट्रेड का पास होना आवश्यक है। और यहाँ पर जो नीचे पेमेंट की डिटेल है वो दी गई है। तो सभी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर 100 रुपये की फ़ीस होने वाली है। जो कैंडिडेट नीचे जो दी गई कैटेगरी हैं उसको छोड़कर हैं, तो नीचे जो कैटेगरी हैं वो हैं SC ST, पर्सन विद बेंच पार्क डिसेबिलिटीज़ और वुमेन, तो इनके लिए कोई भी फीस यहाँ पर नहीं लगने वाली है। तो दोस्तों, अभी हम बात कर लेते हैं वेबसाइट की। तो इन एप्लीकेशंस के लिए आवेदन करने के लिए आपको RRC जयपुर की वेबसाइट पर विजिट करना होगा और वहीं से आपको फॉर्म अप्लाई करना रहेगा। तो मैं इस वेबसाइट को यहाँ से अंडरलाइन कर देता हूँ। तो www.rrcjaipur.in की वेबसाइट पर जाकर आपको इन एप्लीकेशंस के लिए अप्लाई करना रहेगा।
और दोस्तों इसका लिंक भी मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ। तो दोस्तों मैं ऐसा करता हूँ कि मेरे इस वीडियो द्वारा आपकी RRC जयपुर में निकली हुई वैकेंसीज के बारे में क्वारीज दूर हुई होंगी। और दोस्तों यदि आपको लगता है कि आपकी क्वारीज दूर हुई हैं या आपको मेरे वीडियो पसंद आया है तो कृपया इसे लाइक और शेयर अवश्य कर दें। और दोस्तों चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर दें। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय भारत, जय आर्यावर्त।